study with me, a learning experience. हमें लोकेट करना है सेंटर ऑफ अ गिवन सर्कल. तो हमारे पास जो चीज है वो एक सर्कल है. ड्रॉ करेंगे टू कॉर्ड्स ए बी और सी डी. कहीं पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के ऊपर और किसी भी साइज की. फिर ई एफ जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए बी का. उसका तरीका ये है कि किसी भी एक पॉइंट से कंपस को रख के आर्क ड्रॉ करेंगे. इसी तरह फिर दूसरे पॉइंट पे कंपस को रख के आर्क ड्रॉ करेंगे और फिर जहाँ ये दोनों आर्क्स आपस में मिल रही हैं उनको ज्वाइन कर देंगे. तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ई एफ जी बन गया. इसी तरह सी डी कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करेंगे. एक पॉइंट के ऊपर कंपस रख के आर्क ड्रॉ करेंगे, दूसरे पॉइंट के ऊपर कंपस को रख के आर्क ड्रॉ करेंगे और दोनों आर्क्स जहाँ पे मिल रही हैं उनको ज्वाइन कर लेंगे. तो ये पी क्यू आर बाइसेक्टर हमारे पास मिल गया. अब ये जो दो बाइसेक्टर बन गए हैं पी क्यू आर और ई एफ जी, ये कहाँ पे मिल रहे हैं? ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो पॉइंट वो है और यही पॉइंट सेंटर है सर्कल का. हमने ड्रॉ करना है एक सर्कल जो पास करेगा थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो गिवन हमारे पास क्या है? तीन अदर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी और सी. हम ज्वाइन करते हैं ए को बी के साथ और बी को सी के साथ. जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए थे कॉर्ड्स ऑफ सर्कल के, अब नॉर्मल कॉर्ड्स के बाइसेक्टर बना रहे हैं. ए पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ की, बी पॉइंट पे कंपास को रख के एक आर्क ड्रॉ की. ये दोनों आर्क्स जहाँ पे मिल रही हैं उनको ज्वाइन कर लिया. ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया एल एम. इसी तरह अब कॉर्ड बी सी को बाइसेक्ट करना है. सी पे रख के कंपास को एक आर्क बनाएंगे, बी पे कंपास को रख के एक आर्क बनाएंगे और इन दोनों आर्क्स को जहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं इनको मिला लेंगे. इस तरह ये पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास आ गया. अब ये दोनों कॉर्ड्स एल एम और पी क्यू, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इनके हमने बनाए हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे. और पॉइंट ओ से लेकर ओ ए, ओ बी और ओ सी तक इक्वल डिस्टेंस है. तो यही सर्कल का रेडियस बनेगा हमारे, जो कि डिजायर्ड सर्कल है. और पॉइंट ओ पे कंपास को रख के हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. तो ये हमारा सर्कल बन गया पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस और हमने कंप्लीट करना है सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर. तो ये है हमारे पास ए बी सर्कमफेरेंस का पार्ट. हम लोग इसके ऊपर चार पॉइंट्स ले लेते हैं, सी डी ई और एफ. अब इनको मिला लेते हैं. सी डी को मिलाते हैं एक कॉर्ड बन जाएगी, ई और एफ को मिला लेंगे एक दूसरी कॉर्ड बन जाएगी. अब हम लोगों ने इनके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, जिसका प्रोसीजर ये है कि सी के ऊपर कंपस रख के एक आर्क बनाएंगे, फिर डी के ऊपर कंपस रख के एक दूसरी आर्क बनाएंगे. ये दोनों आर्क्स जहाँ पे मिल रहे होंगे इन पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया है क्यू पी. इसी तरह ई एफ कॉर्ड के ऊपर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, जिसका नाम होगा एल एम. ये बन गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन ई एफ कॉर्ड. ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अब जहाँ पे मिल रही हैं क्यू पी और एल एम, इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट ओ, जो कि दरअसल सेंटर पॉइंट होगा इस सर्कमफ्रेंस का. अब यहाँ से हम लोग दो रेडियस ड्रॉ करते हैं ओ ए और ओ बी. ये दोनों इक्वल हैं और ये इतने इक्वल हैं कि ओ सी, ओ डी, ओ ई और ओ एफ के बराबर हैं. तो लिहाजा ये सेंटर पॉइंट है हमारे गिवन, जो फाइंडिंग करने हमने सर्कल, यहाँ से हम लोगों ने एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर लिया. स्टूडेंट्स, ये मेरे ख्याल में इस चैप्टर का सबसे ट्रिकी सवाल है, लेकिन स्टडी विद मी आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा. ये भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें सिर्फ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस गिवन है और आपने सर्कल कंप्लीट करना है, लेकिन सेंटर फाइंड आउट किए बगैर. तो चलें शुरू करते हैं. ये आपके पास एक गिवन सर्कमफेरेंस का पार्ट है ए बी. आप टू कॉर्ड्स ले लेते हैं सी डी और डी ई, एक जितनी लेंथ की, जो कि कॉर्ड्स होंगी इस सर्कमफेरेंस की. अब आप सी डी कॉर्ड को प्रोड्यूस करेंगे डी प्राइम तक या डी डैश, जो भी आप कह लें, और डी ई को ई प्राइम तक.
इस तरह के इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है डी प्राइम डी और ई प्राइम। अब आपने दूसरा एंगल कंस्ट्रक्ट करना है ई प्राइम ई एफ प्राइम। यही इसका सबसे ट्रिकी एरिया है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि ये इक्वल होना चाहिए डी प्राइम डी ई प्राइम के इक्वल। लेकिन ये कैसे होगा ये देखते हैं। आप मैयर कर लें एंगल डी प्राइम डी ई प्राइम को प्रोटेक्टर की मदद से। हमारे केस में इसका एंगल आ रहा है 47 डिग्री। अब आप प्रोटेक्टर उठाएं और उसको लेकर जाएं पॉइंट ई के ऊपर, और यहां से उतने ही डिग्री जो कि हमारे केस में 47 था उतने पे पॉइंट लगाया और रे ई एफ प्राइम ड्रॉ कर ली। इस तरह हमारे पास ये एंगल ई प्राइम ई एफ प्राइम आ गया, जो कि इक्वल है डी प्राइम डी ई प्राइम के। अब हमने इस कॉर्ड के इक्वल प्रोटेक्टर को ओपन करना है सी डी के ऊपर इक्वल, और इसको ले जाना है ई एफ प्राइम वाली रे के ऊपर, और वहां पे हम लोगों ने पॉइंट एफ लगा लेना है। अब आप देख सकते हैं आपके पास पहली कॉर्ड थी सी डी, अब फिर नेक्स्ट आ गई डी ई, और अब ई एफ भी आ गई। इसी तरह आपने आगे कॉर्ड्स बनाते चले जाना है। अब हम करते हैं प्रोटेक्टर को पॉइंट एफ पे प्लेस, और जिस तरह पहले कर चुके हैं हम लोग 47 डिग्री के ऊपर पॉइंट लगाया, रे एफ जी प्राइम बनाई, दोबारा से एंगल ड्रॉ कर लिया, कॉर्ड सी डी जितना प्रोटेक्टर ओपन किया सॉरी कंपस ओपन किया, और रे एफ जी प्राइम के ऊपर पॉइंट लगा लिया जी। इस तरह अब हमारे पास एक नेक्स्ट कॉर्ड आ गई एफ जी। अब आप पेंसिल की मदद से इस आर्क को कंप्लीट कर लें। इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे एंगल्स ड्रॉ करते चले जाना है, जी के ऊपर प्रोटेक्टर रख के, फिर एच के ऊपर प्रोटेक्टर रख के, फिर आई के ऊपर प्रोटेक्टर रख के, और ये तमाम कॉर्ड्स भी ड्रॉ कर लेनी है। फाइनली आपने हाथ के साथ सर्कमफ्रेंस को कंप्लीट कर लेना है। इस वीडियो में हमें है एक ट्राइंगल गिवन और हमने इसका सर्कल इसके अराउंड सर्कमस्क्राइब करना है। अब सर्कमस्क्राइब जब करेंगे तो वो तीनों इसके वर्टिसेस को जाके छुएगा, तो लिहाजा हम लोग वर्टिसेस से नहीं हम लोग साइड्स को बाइसेक्ट करेंगे। ये इसका थंब रूल है। हम चले आए सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी। हम लोगों ने कंपस ली और पॉइंट बी से दो आर्क्स ड्रॉ की, इसी कंपस को पॉइंट ए पे रख के दो आर्क्स ड्रॉ की। जहाँ पे ये दो आर्क्स आपस में मीट करती हैं उनको ज्वाइन करके ये लाइन बना लेंगे जो कि बाइसेक्टर होगी एल एम एन। इसी तरह हम दूसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेंगे, पॉइंट ए के ऊपर कंपस को रख के दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे, फिर पॉइंट सी पे रख के कंपस को दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स आपस में मिल गई हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, तो ये सेकेंड बाइसेक्टर बन जाएगा पी क्यू आर। अब ये दोनों बाइसेक्टर्स जहाँ पे मिल रहे हैं वो है हमारा पॉइंट ओ, और इस सेंटर पॉइंट ओ से हम लोग देखें तो तीन रेडियस हैं ओ ए ओ बी और ओ सी, जो कि हमारे सर्कमस्क्राइब सर्कल के रेडियसेस बनेंगे। तो आइए यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हमारा सर्कल सर्कमस्क्राइब हो गया है अराउंड अ गिवन ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ट्राइंगल और हमने करना है इंस्क्राइब एक सर्कल। इसका थंब रूल के कैसे करना है को समझने के लिए ज़रूरी है पिछले क्वेश्चन का थंब रूल हम लोग रिपीट कर लें। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सर्कमस्क्राइब किया था सर्कल को, जो कि वर्टिसेस को टच करके जा रहा था, इस वजह से हम लोगों ने साइड्स को बाइसेक्ट किया था। इस केस में आप देखें तो साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है, लिहाजा वर्टिसेस पे मौजूद एंगल्स को बाइसेक्ट किया जाएगा। तो चले आए शुरू करते हैं। गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले हम लोग एंगल बी को बाइसेक्ट करेंगे। उसका प्रोसीजर ये है कि कंपस को पॉइंट बी पे रखें और यूं एक आर्क ड्रॉ करें। अब इसके दोनों पॉइंट से बारी बारी एक एक और आर्क ड्रॉ करें। ये पहली आर्क ड्रॉ कर ली और अब ये दूसरी आर्क ड्रॉ कर ली। ये दोनों आर्क जहाँ पे मिल रही हैं तो वहाँ से पॉइंट बी को ज्वाइन कर लें, तो ये हमारा बी ई रे एंगल बी का बाइसेक्टर बन गया। बिल्कुल इसी तरह से आपने एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर लेना है, और ये सी एफ रे बन गई जो कि एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये दोनों रेज जहाँ पे मिल रही हैं वो है पॉइंट ओ, और ये पॉइंट ओ हमारे इंस्क्राइब्ड सर्कल का सेंटर पॉइंट होगा। लेकिन अभी हमें एक और काम करना है कि हमें एक रेडियस भी मालूम करना है सर्कल का।
तो आप पॉइंट ओ से किसी भी एक साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जिसका प्रोसीजर है कि एक आर्क क्यों करके लगाएं, फिर इस आर्क के दोनों सिरों से एक एक और आर्क आगे की तरफ को लगाएं। पहली आर्क लग गई और ये दूसरी आर्क लग गई, और जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं उनको पॉइंट ओ से मिला लें। अब ये ओ पी जो है ये हमारा रेडियस है इंस्क्राइब सर्कल का। पॉइंट ओ के ऊपर कंपास को ओपन करके हम लोग ओ पी जितनी लेंथ का रेडियस ओपन करेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा इंस्क्राइब सर्कल है। इसमें हमें एक गिवन ट्राइंगल होगा जिसके अंदर हमने सर्कल को एस्क्राइब करना है। अब एस्क्राइब का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये क्या है। इसके लिए ज़रूरी है हम पहले सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब देख लें। सर्कमस्क्राइब में जब ट्राइंगल गिवन होती है तो सर्कल उसके बाहर से वर्टिसेस को छूता हुआ जाता है। इंस्क्राइब में सर्कल अंदर की साइड्स को छूता हुआ जाता है। जब एस्क्राइब करना है तो उसमें दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल को हम एक्सटेंड कर लेंगे, और जब एस्क्राइब करेंगे तो सर्कल इस तरह दो एक्सटेंडेड साइड्स और एक साइड ऑफ द ट्राइंगल को टच करेगा। तो आएँ शुरू करते हैं। ये है हमारे पास गिवन ट्राइंगल ए बी सी। हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स को प्रोड्यूस कर देते हैं, साइड ए बी और साइड ए सी को। अब इस पॉइंट बी पे हम लोग जो है कंपस रख के एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो कि एंगल है। अब इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। इस तरह से एक आर्क लगाई हमने और दूसरे पॉइंट से कंपस रख के एक और आर्क लगाई और पॉइंट बी से इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा एंगल बाइसेक्ट हो गया। इसी तरह हम लोग सी पॉइंट के ऊपर भी एंगल को बाइसेक्ट करेंगे जो कि एक्सटीरियर एंगल है। ये दोनों रेज जाके मिल रही हैं पॉइंट आई वन पे, और यही इंशाल्लाह हमारे सर्कल का पॉइंट सेंटर पॉइंट होगा। अब यहाँ से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बी सी के ऊपर, तो यहाँ से हम लोग कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ करते हैं, फिर उस आर्क के दोनों साइड से ऊपर से एक एक मज़ीद आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, और यूँ ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है जो कि पॉइंट डी के ऊपर बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब आई वन से लेकर डी तक हमारा कंपास हम ओपन करेंगे और ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल होगा, और ये सर्कल हमने ड्रॉ किया और जो कि बाकी दो एक्सटेंडेड साइड्स को एफ और ई पॉइंट के ऊपर जाके टच करता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल गिवन है और हमने सर्कमस्क्राइब करना है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को। ट्राइंगल आप जानते हैं उसकी तीन साइड्स होती हैं, लिहाजा वो इस सर्कल को थ्री पॉइंट्स पे टच करेगा, और हमने सबसे पहले वही फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं ए बी। इसमें आपको साइडों पे दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम इसमें से सिर्फ एक यूज़ कर सकते हैं, वो है पॉइंट बी। आप ए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पॉइंट बी यूज़ करूँगा टेंजेंट बनाने के लिए। अब हम लोगों को दो मज़ीद पॉइंट्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ए ओ के बराबर रेडियस कंपस खोल लेते हैं और कंपस से एक आर्क ड्रॉ करते हैं। अब ये जिन दो पॉइंट्स पे टच हो रहा है सी और डी, ये हमारे वो दो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं जिन पे हमने मजीद टेंजेंट बनाने होंगे। सी को ओ से मिला लें और ओ को डी से मिला लें। ये मिलाया इसलिए है ताकि हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाए, जो कि टेंजेंट बनाने के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री का होता है। सबसे पहले पॉइंट बी के ऊपर हम लोग टेंजेंट बनाते हैं। उसका तरीका यह है, इस तरह कंपस रखी आपने और एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब इस आर्क के ऊपर मजीद एक आर्क लगाई, उस आर्क के ऊपर कंपस रख के मजीद एक आर्क लगाई, और इन दोनों आर्क से मजीद बाहर की तरफ एक आर्क लगाई और एक यहाँ से आर्क लगाई। ये दोनों आर्क जहाँ पे टच कर रही हैं उस पॉइंट को पॉइंट बी से मिला के एक्सटेंड कर लें। ये हमारा फर्स्ट टेंजेंट बन गया है पॉइंट बी पे। इसी तरह आपने पॉइंट डी के ऊपर भी टेंजेंट बनाना है, और इसी तरह का टेंजेंट पॉइंट सी के ऊपर भी बनाना है। ओ ओ, ये थोड़ा बाहर चली गई, तो स्क्रीन के अंदर मैं इसको खींच कर लाता हूँ। तो ये देखें, बहुत ही परफेक्ट हमारा सर्कमस्क्राइब हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास सर्कल गिवन है और हमने इंस्क्राइब करना है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को। ये है हमारे पास गिवन सर्कल जिसका सेंटर है ओ। हम लोग एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं ए बी। अब हम लोग ओ ए के बराबर कंपास को ओपन करेंगे और पॉइंट ए से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये सर्कल को दो साइड पे ऊपर सी और डी पॉइंट्स के ऊपर टच करती है। हम बी को सी से, सी को डी से और डी को बी से मिला लेते हैं। ये तीन पॉइंट्स थे और यही हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जो कि इंस्क्राइब्ड है इन द गिवन सर्कल। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक अदद सर्कल और इसका सेंटर है पॉइंट ओ, और इसमें हमने एक सर्कमस्क्राइब करना है स्क्वायर को। स्क्वायर को आप जानते हैं उसकी चार साइड्स होती हैं, लिहाजा वो इस सर्कल को चार साइड्स पे टच करेगा और हमें वही चार पॉइंट्स मालूम करने हैं। सबसे पहले हम लोग डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं पी आर। ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए। अब हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे
यूं कंपास को रखेंगे पॉइंट ओ पे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट पे कंपास को रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस आर्क वाले पॉइंट के ऊपर कंपास को रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों आर्क से बाहर की तरफ को एक मज़ीद आर्क ड्रॉ करेंगे बारी बारी, और ये दोनों आर्क जहाँ पे मीट कर रही हैं उनको पॉइंट ओ से मिलाते हुए हम लोग सेकेंड डायमीटर बना लेंगे जो कि बन जाएगा क्यू एस। तो ये आपके पास चार पॉइंट आ गए पी क्यू आर एस। अब इनके ऊपर आपने चार टेंजेंट्स बनाने हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट क्यू के ऊपर कंपास को रखेंगे और इस तरह से एक आर्क बना लेंगे, फिर इसके इस पॉइंट के ऊपर कंपास को रख के एक आर्क बनाएंगे, फिर इस आर्क के ऊपर कंपास को रख के एक और आर्क बनाएंगे। अब इन दोनों आर्क्स के ऊपर कंपास को रख के बाहर की तरफ एक 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 आर्क बनाएंगे। ये दोनों आर्क्स जहाँ पे मीट कर रही हैं उनको एक्सटेंड करेंगे, पॉइंट क्यू से मिलाएंगे और पूरी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये हमारे पास टेंजेंट आ गया है पॉइंट क्यू के ऊपर। इसी तरह हम लोग एक और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट आर के ऊपर, एक और टेंजेंट बनाएंगे पॉइंट पी के ऊपर और एक आखिरी टेंजेंट बनाएंगे पॉइंट एस के ऊपर। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारा डिज़ायर्ड सर्कमस्क्राइब स्क्वायर बन चुका है ए बी सी डी। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें गिवन है एक अदद सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट है पॉइंट ओ और हमने इंस्क्राइब करना है स्क्वेयर। स्क्वेयर के आपको पता है चार कोने होते हैं, तो हमें चार पॉइंट्स चाहिए। सबसे पहले हम डायमीटर ड्रॉ करते हैं ए सी, और अब इसके एक परपेंडिकुलर डायमीटर ड्रॉ करेंगे जिसका प्रोसीजर है पॉइंट ओ के ऊपर कंपस रख के एक आर्क बना लें, फिर इस पॉइंट के ऊपर कंपस रख के एक आर्क ड्रॉ करें, फिर इस आर्क के ऊपर एक कंपस रख के आर्क ड्रॉ करें। अब इन दोनों आर्क्स के ऊपर बारी बारी कंपस रख के ऊपर की तरफ आर्क ड्रॉ करें। ये पहली आर्क हो गई, ये दूसरी आर्क हो गई। जहाँ ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं उनको पॉइंट ओ से मिला के एक स्ट्रेट डायमीटर बना लें। ये हमारे पास मिल गया बी डी सेकेंड डायमीटर। अब आप देखें तो आपको चार पॉइंट्स मिल चुके हैं सर्कल के अंदर ए बी सी डी, इनको मिला लें। ये आपके पास डिज़ायर्ड इंस्क्राइब्ड स्क्वायर है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक अदद सर्कल विद सेंटर ओ और हमने सर्कमस्क्राइब करना है हेक्सागोन। हेक्सागोन आपको पता है छह साइड्स होती हैं, लिहाजा हमें सर्कल के अराउंड छह ऐसे पॉइंट चाहिए जहाँ पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें। सबसे पहले तो आप एक अदद डायमीटर बना लें ए डी, जो कि सबसे सिंपल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप बना लें। अब आप क्या करें कि एक रेडियस खोलें ए ओ जितना कंपास की मदद से और एक आर्क ड्रॉ कर लें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इनका नाम आपने दे दिया एफ और बी। अब हमारा क्वेश्चन तकरीबन बस सॉल्व हो चुका है, मुश्किल काम हो चुका है। अब आपने क्या करना है, पॉइंट बी से ओ को मिलाते हुए अगले पॉइंट ई तक पहुंचा देना है। इसी तरह पॉइंट एफ को ओ से मिलाते हुए सी तक पहुंचा देना है। अब आप देखें तो आपको छह पॉइंट्स मिल चुके हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर। अब आपने बारी बारी टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम पॉइंट डी के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। उसका प्रोसीजर ये है, कंपास क्यू रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, फिर इस पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस आर्क से आगे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इन दोनों आर्क से ऊपर की तरफ एक एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं उनको ज्वाइन कर देंगे हम डी पॉइंट डी के साथ और उस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट टेंजेंट आ गया पॉइंट डी के ऊपर। इसी तरह हमने मज़ीद टेंजेंट्स भी बनाने हैं बारी बारी। नेक्स्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट ई के ऊपर। तो आप देखें ये दो टेंजेंट्स मिल रहे हैं पॉइंट एस के ऊपर। नेक्स्ट हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट एफ के ऊपर। अब देखें कि ये दो टेंजेंट्स मिल रहे हैं पॉइंट टी के ऊपर। नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पॉइंट ए के ऊपर। अब आप देखें कि ये दो टेंजेंट्स मिल गए हैं पॉइंट यू के ऊपर। और नेक्स्ट टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट बी के ऊपर, और यहाँ पे आपको पॉइंट पी मिल गया। और फाइनल आखिरी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे पॉइंट सी के ऊपर, और यूँ लास्ट दो पॉइंट क्यू और आर मिल गए। अब अगर आप गौर से देखें तो आपका हेक्सागोन बन चुका है पी क्यू आर एस टी यू पी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि हमें एंड स्टेट क्या चाहिए। हमें एक सर्कल गिवन है और हमने इसमें बनाना एक रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन मतलब जिसकी छः की छः साइड्स इक्वल हों। शुरू करते हैं। ये है हमारा गिवन सर्कल विद सेंटर ओ। हमें छः पॉइंट्स चाहिए जहाँ पे हम लोगों ने हेक्सागोन बनाना है इस सर्कल के अंदर। तो सबसे पहले तो आसानी से डायमीटर बना लेते हैं। ए से डी तक दो पॉइंट्स हमें ये मिल गए। अब हम क्या करते हैं,
ए ओ जितना कंपास खोलेंगे यानी रेडियस इतना, और पॉइंट ए से यहाँ आर्क लगा लेंगे, ये हमें दो पॉइंट और मिल गए एफ और बी। अब हमने क्या करना है, पॉइंट बी को ओ से मिलाते हुए ई तक एक्सटेंड कर लेना है, ये हमें एक और पॉइंट मिल गया ई। इसी तरह पॉइंट एफ को ओ से मिलाते हुए सी तक एक्सटेंड कर लेना है। तो ये देखें आप, हमें छः के छः पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं जो रिक्वायर्ड हैं इंस्क्राइब हेक्सागन बनाने के लिए। अब हमने क्या करना है कि इन छः के छः पॉइंट्स को यूं मिला लेना है, और आप गौर से देखें तो ये हेक्सागन हमारा बन चुका है ए बी सी डी ई एफ। टेंजेंट टू द सर्कल और आर्क विदाउट फाइंडिंग द सेंटर, हमारे पास तीन केसेस हैं। पहला केस जिसमें पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क, दूसरा केस पॉइंट पी इज द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, तीसरा केस पॉइंट पी इज आउटसाइड द आर्क। इन तीनों को हम लोगों ने बारी बारी करना है, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट रिविजन कि जब सेंटर गिवन होता था तो तब कैसे बनाते थे हम लोग टेंजेंट। तब हम इस पॉइंट से पॉइंट पी को मिला लेते थे और पॉइंट पी के ऊपर हम लोग टेंजेंट यानी 90 डिग्री का एंगल बनाते थे, जिसका प्रोसीजर आपको याद ही होगा। आर्क ड्रॉ करके उसके ऊपर मजीद दो आर्क कट करते थे और बाहर की तरफ दो और आर्क्स कट करते थे और उसको पॉइंट पी से मिला देते थे, तो ये टेंजेंट बन जाता था। अभी हम लोगों ने केस वन देखना है जिसमें पॉइंट पी मिड पॉइंट ऑफ द आर्क। सबसे पहले हम कॉर्ड ए बी को मिला लेंगे, और अब इस कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करना है, उसका प्रोसीजर ये है पॉइंट बी से ऊपर रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर पॉइंट ए से रख के एक आर्क लगाएंगे, इन दोनों को पॉइंट पी से मिला लेंगे, ये पॉइंट आर का मिल जाएगा। अब वही 90 डिग्री का हम लोगों ने एक एंगल बनाना है इस वर्टिकल लाइन के ऊपर, जो कि यहाँ पे रख के आर्क ली और यहाँ से कट किया, फिर यहाँ से कट किया, और इन दोनों के ऊपर आर्क रख के साइड पर एक बड़ी आर्क लगा दी और इसको ज्वाइन कर लिया पॉइंट पी से। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है आप देख रहे हैं, और ये हम लोगों का टेंजेंट बन गया। अब हम आते हैं केस टू की तरफ, जिसमें पॉइंट पी एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। इसमें हमने क्या करना है, एक और पॉइंट ए ले लेना है और वहाँ से पॉइंट पी को मिला लेना है। अब पॉइंट ए के ऊपर हम लोगों ने एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसके लिए हम लोगों ने पहले ये आर्क ली, उसके ऊपर एक आर्क ये कट की, एक आर्क ये कट की, इन दोनों की मदद से ऊपर की तरफ दो और आर्क्स कट की। अब उनको पॉइंट ए से मिला लिया, जहाँ पे ये सर्कल को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट बी है। इस पॉइंट बी को हम पॉइंट पी से मिला लेंगे, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया। ये हमारे पास इसका एंगल है, एंगल ए बी पी, इसको हमने मेजर कर लेना है, और इतना ही एंगल हम लोगों ने नीचे पॉइंट पी पे नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने पॉइंट डी लगा लिया है, इसको लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमारा आप देखें तो एंगल बन गया है ऊपर जितना, और ये टेंजेंट लाइन भी असल में ड्रॉ हो चुकी है। अब सिर्फ चेक ये करना है कि ये वाली जो लाइन है, ये लाइन पी पी के साथ 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है, क्योंकि टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तो उसके लिए एक तो हमें ये याद रखना चाहिए कि एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो इंटीरियर एंगल्स हैं, वो कितना सम होता है उनका, 180 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो बाकी के जो दो एंगल हैं वो मिला के 90 डिग्री होंगे। अब हमारे पास क्या सिचुएशन है कि ये एंगल हमने देखना है 90 डिग्री, इसमें एक तो वही रेड वाला एंगल है जो हम लोगों ने देखा, और अब दूसरा एंगल वो जो हमने खुद ड्रॉ किया था ऊपर वाले एंगल के मुताबिक, तो इससे हमारा प्रूव हो जाता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तीसरा केस हमारा ये था कि पॉइंट बी इज आउटसाइड द आर्क ए बी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक सर्कल पूरा ड्रॉ कर लेते हैं उसको, ताकि आपको यकीन हो कि सर्कल और आर्क एक ही चीज़ होती है। पॉइंट पी से हम पॉइंट ए को मिला लेंगे, ये एक सीकेंट है जो कि आर्क को पॉइंट ई पे कट कर रहा है। अब हम लोग पॉइंट पी और ए को मरकज मानते हुए ऊपर और नीचे एक एक लाइन लगाएंगे, आर्क लगाएंगे, ताकि हम सेंटर पॉइंट एम मालूम कर सकें। जब पॉइंट एम मालूम हो जाता है तो बाकी की चीज़ जो हमने ड्रॉ की हुई है ऊपर नीचे वो इरेज कर देते हैं, ताकि क्लटर रिमूव हो। अब हम लोगों ने ये रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने पॉइंट ई के ऊपर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उसका प्रोसीजर आपको पता ही है, इन दोनों से मजीद ऊपर की तरफ दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे और इनको पॉइंट ई से मिला लेंगे, और ये जहाँ पे सेमी सर्कल को कट कर रहा है वो है पॉइंट डी। अब हम पॉइंट डी जितना कंपास ओपन करेंगे और एक और आर्क लगा लेंगे, जो कि हमारी मेन आर्क को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रही है हमारे टेंजेंट पॉइंट में। यहाँ से हम पॉइंट पी तक लाइन लगा लेंगे और ये हमारा टेंजेंट है। टेंजेंट टू द सर्कल हमने ड्रॉ करना है जब हमें सेंटर नोन हो सर्कल का। ऐसी सूरत में दो केसेस हो सकते हैं, पहला केस जबकि पॉइंट पी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो,
और दूसरा केस जब पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल हो। केस वन को पहले देख लेते हैं, जबकि हमारा सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट पी है, हम लोग क्या करते हैं पॉइंट ओ को पी से मिला लेते हैं। अब पॉइंट पी के ऊपर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कंपास रख के इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। अब बारी बारी यहाँ से दो बार कंपास से आर्क लगाएंगे, अब यहाँ से कंपास से दूसरी आर्क लग जाएगी। अब इन दोनों के ऊपर बारी बारी कंपास को रख के बाहर की तरफ एक एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क्स जहाँ पे मिल रही हैं इनको पॉइंट पी से मिलाकर एक्सटेंड कर देंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा, क्योंकि ये हमारे रेडियस ओ पी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है 90 डिग्री के। दूसरे केस की तरफ आते हैं, जबकि सर्कल के बाहर किसी जगह पे पॉइंट पी है, हमारे केस में ये राइट साइड पे है। अब हम फिर वही करते हैं, ओ और पी को मिला लेते हैं। अब हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए ओ पी लाइन का, तो पॉइंट पी के ऊपर कंपास को रख के दो आर्क्स एक ऊपर और एक नीचे लगा लेते हैं। फिर पॉइंट ओ के ऊपर कंपास को रख के दो आर्क्स लगाते हैं एक ऊपर और एक नीचे। ये दोनों जहाँ पे मिल रही हैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारा पॉइंट एम आ जाएगा, लाइन ओ पी का सेंटर। इस पॉइंट एम को मरकज मानते हुए हम लोग कंपास रखेंगे और ओ पॉइंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि पी तक जाएगा। ये जहाँ पे हमारे मेन सर्कल को कट कर रहा है उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट टी यानी टेंजेंट पॉइंट, और पॉइंट पी से टी को मिलाकर दोनों तरफ एक्सटेंड कर लेंगे और ये है हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सर्कल और एक एंगल गिवन है। हमने इस एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं जो कि ऐसे पॉइंट पे मिलें जहां पे एंगल एंगल एम एन एस के इक्वल हो। सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट ए ले लेते हैं सर्कमफ्रेंस के ऊपर और इसको पॉइंट ओ से मिला लेते हैं। अब हम अपना कंपास ओपन करते हैं जितना ये साइड पे एंगल खुला हुआ है, और इतना ही हम लोग लाइन ओ ए के ऊपर आर्क ड्रॉ कर लेते हैं एक। अब हम लोग एंगल मेजर करते हैं, जिसका प्रोसीजर यहाँ से ओपन करने का है, और इतना ही एंगल हम लोग इसके ऊपर काट लेते हैं। अब हम पॉइंट ओ को मिला लेते हैं इस पॉइंट के साथ, जो कि सर्कमफ्रेंस को पॉइंट सी के ऊपर जाके मिल रहा है, और ये दो एंगल बराबर हो गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट सी ओ को प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी साइड पे ले जाते हैं ताकि हमारा डायमीटर बन जाए। दूसरी साइड पे हमें पॉइंट बी मिल गया। ये एंगल कितने का होगा, एंगल इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी ओ ए, क्योंकि एक लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उन टोटल का सम 180 होता है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी कि पहला टेंजेंट बनाने वाले हैं। यहाँ से हम लोग ये एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस आर्क के ऊपर बारी बारी दो आर्क इस तरह से ड्रॉ करेंगे। पहले कंपास को यहाँ रखा, अब यहाँ रखा, अब बारी बारी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आर्क कंपास को रख के बाहर की तरफ एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये पहली आर्क, ये दूसरी आर्क, इन दोनों पॉइंट्स को हम पॉइंट ए के साथ मिला लेंगे और एक्सटेंड कर लेंगे दोनों तरफ, तो ये हमारे पास पहला टेंजेंट बन गया ए डी। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग अपना दूसरा टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट बी ई। ये दोनों टेंजेंट्स जहां पर मिल रहे हैं उस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं पॉइंट पी। अब देखें तो ये दोनों टेंजेंट जहां पे मिल रहे हैं उस टेंजेंट एंगल का नाम बन रहा है एंगल बी पी ए, और वो एंगल बराबर है हमारे गिवन एंगल एम एन एस के। कैसे, ये भी साबित करना है हमने। तो आप ये देखें कि ये दोनों एंगल मिलके बन रहे हैं 180 डिग्री। बड़ी अजीब बात है, एक बड़ा छोटा एक बहुत बड़ा, तो हमें ये कैसे पता लगा कि ये दोनों मिलके 180 डिग्री बन रहे हैं। आपको अभी समझाता हूँ, आपको रिवाइज करा लूँ कि आपको याद हो कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसकी चार साइडें हों उसके अंदर के चारों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब हमारे इस केस में हमें कैसे पता लगा कि बाकी की दो साइड्स क्या हैं, हमने खुद ड्रॉ की थी 90 और 90, टोटल 180 डिग्री की। तो ये जो हमारी दो साइड हैं ये मिल रही हैं 180 डिग्री की, ये बाकी दो। नेक्स्ट, ये आपको देखने के पता लग रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी। ये हम लोगों ने ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया है। स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ये वाला एंगल कितने का है जो ब्लू से शो कर रहे हैं, ये और रेड वाला मिलके 180 था, तो इसकी मदद से हम लोगों ने निकाल लिया कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ ए। तो अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। इन दो इक्वेशंस की मदद से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ओ ए, जो कि आपको मैंने ब्लैक और ब्लू से ड्रॉ करके दिखा दी है, और ये दोनों इक्वल हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन एस के, हमारा गिवन एंगल के इक्वल, क्योंकि हम लोगों ने ये ड्रॉ ही उसी को देख कर की है। अब
ये प्रूव हो गया कि ये दो टेंजेंट जहाँ पे मिल रहे हैं वो एंगल इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एन एस है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन होंगे टू इक्वल सर्कल्स और हमने कॉमन टेंजेंट फाइंड करना होगा जिसके दो डिफरेंट केसेस हैं, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो कि इस तरह से बनता है और दूसरा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो कि इस तरह से बनता है। तो आइए शुरू करते हैं बारी बारी। पहले हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही बात कर लें ऑन टू इक्वल सर्कल्स। सबसे पहले आप दो इक्वल सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे विद सेंटर्स ओ एंड ओ प्राइम। नेक्स्ट आपने ओ और ओ प्राइम को ज्वाइन कर लेना है। अब आपने क्या करना है, फ्रॉम सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल ड्रॉ डायमीटर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। आपने ओ के ऊपर कंपास को ओपन कर लेना है और एक इस तरह से आर्क लगा लेनी है। अब इस पॉइंट के ऊपर कंपास को रख के एक और आर्क लगा लेनी है और इस पॉइंट पे कंपास को रख के एक और आर्क लगा लेनी है। अब बारी बारी इन दोनों पॉइंट्स पे कंपास को रख के ऊपर की तरफ एक एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है ताकि आप परपेंडिकुलर बना सकें। जहां ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको पॉइंट ओ से मिलाते हुए नीचे की तरफ खींच लें। ये आपके पास ए बी लाइन बन गई है जो कि आपके सर्कल को पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है कॉमन साइड्स के ऊपर। ये हमारे वो टेंजेंट्स पॉइंट्स होंगे। अब आपने क्या करना है, यही तरीका दूसरे सर्कल के ऊपर भी अपनाना है और वहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है जिसकी वजह से आपको ए प्राइम और बी प्राइम दो पॉइंट्स उस सर्कल के ऊपर भी मिल जाएंगे। अब ये जो चार पॉइंट्स आपको मिल गए हैं यही आपके टेंजेंट के लिए पॉइंट्स हैं। आपने क्या करना है, एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेनी है और एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेनी है और ये आपका पहला केस सॉल्व हो गया। चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ जो कि है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ टू इक्वल सर्कल्स। ये हमने उसी तरह से दो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए ओ और ओ प्राइम इक्वल रेडियस के। ओ और ओ प्राइम को हम लोगों ने मिला लिया है। अब हमने सबसे पहले इनका सेंटर मालूम करना है। पहले ओ के ऊपर कंपास को रख के इस तरह ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे, फिर ओ प्राइम के ऊपर कंपास को रख के ऊपर और नीचे एक एक आर्क लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। जहां ये पॉइंट्स ओ ओ प्राइम लाइन के ऊपर मिल रहे हैं वो पॉइंट हमारा कहलाएगा पॉइंट एम, मिडल पॉइंट। अब हमने एम और ओ पॉइंट किसी एक सर्कल का इन दोनों के बीच में सेंटर मालूम करना है। तो हम कंपास ओपन करेंगे उसी तरह एम के ऊपर रख के ऊपर और नीचे एक एक आर्क लगा लेंगे, फिर ओ के ऊपर कंपास को रख के ऊपर और नीचे एक एक आर्क लगा लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जहाँ ये हमारी लाइन ओ एम को मिल रहे हैं वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा इस ओ एम का, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं एन। यहाँ पे हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ऑफ रेडियस साइज ओ एन। यहाँ पे हम लोगों ने एन के ऊपर कंपास को रखा और सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल हम लोग डॉटेड ड्रॉ करेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये अनवांटेड सर्कल है, गलती से इसके ऊपर टेंजेंट ना ड्रॉ हो जाए। अब ये हमारे जो अनवांटेड सर्कल और मेन सर्कल का जहाँ पे टच हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रही है, ये हमारे पास पॉइंट पी और पी प्राइम जो कि पहले टेंजेंट पॉइंट हमें मिल चुके हैं। इन पॉइंट से हम लोग पॉइंट एम को मिलाएंगे और नेक्स्ट सर्कल तक ड्रॉ कर लेंगे, लाइन को खींच लेंगे, तो वो हमारे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन जाएंगे। पहला पॉइंट पी से एम को मिलाया और क्यू प्राइम तक चला गया, ये पहला ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। फिर पी प्राइम से एम को मिलाया और क्यू तक चला गया, ये हमारा सेकेंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन गया। स्टूडेंट्स, कॉमन टेंजेंट ऑफ टू अनइक्वल सर्कल्स लेने हो तो इसके दो केसेस होते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स में हम दो अनइक्वल सर्कल्स के ऊपर इस तरीके से टेंजेंट बनाते होते हैं। सबसे पहले आप दो अनइक्वल सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे विद रेडियस आर एंड आर प्राइम, फिर इनके सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब इस लाइन का सेंटर पॉइंट मालूम करना है तो कंपास को यहाँ पे रख के दो आर्क्स बना लेंगे ऊपर नीचे, फिर लेफ्ट वाले सर्कल के सेंटर पे रख के ऊपर नीचे दो आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं उनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे और यूँ आपके पास सेंटर पॉइंट एम आ जाएगा लाइन का। अब आपने कंपास को इतना ऊपर करना है जितना ये एक रेडियस बन जाएगा सर्कल का, जो हम एक अनवांटेड सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। अब यूँ कंपास को रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे डॉटेड से ताकि अनवांटेड सर्कल हमें पता लगे कि इसके ऊपर गलती से हम टेंजेंट ना बना लें। और यूं कंपास को ओपन कर लेना आर प्राइम जितना। यहाँ तक के स्टेप्स दोनों केसेस में सेम होंगे, चाहे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब आर प्राइम जितनी हम लोगों ने आर्क खोली थी वो उसको अंदर की तरफ हम लोग कट करेंगे दूसरे सर्कल के ऊपर। तो ये हमारे पास जो बकिया एरिया रह गया लेंथ ऑफ द लाइन वो आर माइनस आर प्राइम, इतना कंपास हम खोल के एक और अनवांटेड सर्कल डॉटेड से ड्रॉ कर लेंगे जिसका रेडियस हो जाएगा आर माइनस आर प्राइम। दोनों अनवांटेड सर्कल जहाँ पे मिल रहे हैं वो हमारे पास मिल जाते हैं पॉइंट पी और क्यू। अब हम लोगों ने सेंटर पॉइंट से इन पॉइंट्स को मिला लेना है और अपने मेन सर्कल के एंड तक ले जाना है। वहाँ पर हमें मिल गया पॉइंट ए, ये हमारा एक टेंजेंट पॉइंट है, और नीचे की तरफ जब करेंगे तो हमें पॉइंट बी मिल जाएगा, दूसरा टेंजेंट पॉइंट। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमने इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है दूसरे सर्कल में, ये वाली और नीचे वाली के साथ पैरेलल ये वाली। मगर कैसे, इसके लिए बेसिकली तो तीन मेथड्स हैं जो मैंने अपनी दूसरी वीडियो में डिटेल बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं
वक्त की कमी की वजह से सिर्फ सेंट्रल यानी कि सेकंड मेथड यूज़ करता हूँ, जो कि है डी की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से, और ये सबसे आसान है। हम लोगों ने यहाँ पे डी को रख के हम लोगों ने एंगल मेजर कर लिया, थोड़ा जूम कर लेते हैं। हम लोगों ने एंगल मेजर करके राइट वाले सर्कल के अंदर ले गया और उधर उस एंगल के ऊपर डॉट लगा लिया। सेंटर पॉइंट से हम लोगों ने लाइन ड्रॉ की और ये वाला एरिया जो है हम लोगों का पैरेलल लाइन का बन जाता है और ए प्राइम पॉइंट हमें मिल जाता है। इसी तरह नीचे डी रखी, उस एंगल के ऊपर पॉइंट लगाया, डॉट लगाया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको हाईलाइट कर लिया। यहाँ पे बी प्राइम पॉइंट हमें मिल गया। अब आप देखें तो हमें चार टेंजेंट पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हम यूँ दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं। नेक्स्ट केस के अंदर हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बने हैं जो यूँ करके बनते होते हैं, जिसको उल्टा पुल्टा भी मैं कहता हूँ। इसमें भी पहले शुरू के स्टेप्स वही हैं, दो इक्वल सर्कल्स हैं आपके पास, आर और आर प्राइम रेडियस जितने, इन दोनों के सेंटर पॉइंट्स को मिला लेना है, फिर इनका सेंटर पॉइंट इस लाइन का मालूम करना है। यूं कंपास ओपन करेंगे, ऊपर नीचे दो आर्क्स लगाएंगे, दूसरे कंपास के ऊपर, दूसरे सर्कल के ऊपर कंपास रख के भी दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे और ऊपर नीचे इसको मिला लेंगे, यूँ हमें सेंटर पॉइंट एम मिल जाएगा। अब यूं कंपास का रेडियस ओपन किया और इस तरह से एक अनवांटेड सर्कल डॉटेड से ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग आर प्राइम जितना सर्कल ओपन करते हैं, कंपास ओपन करते हैं, यहाँ तक के स्टेप्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सेम है, इसलिए मैंने क्विकली इसको गुजारा है। अब लेफ्ट साइड वाले सर्कल में पिछली दफ़ा हम लोगों ने आर माइनस आर प्राइम किया था, इस दफ़ा चूंकि ट्रांसवर्स है उल्टा पुल्टा, आर प्लस आर प्राइम हम लोग इतनी एक आर ड्रॉ करेंगे और लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और इतने रेडियस के अगेंस्ट हम लोग एक और अनवांटेड सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पे ये दोनों अनवांटेड सर्कल मीट कर रहे हैं उनको हम कह देते हैं पॉइंट पी और क्यू, और इनको इन सेंटर पॉइंट से मिला लेते हैं इस सर्कल के। एक को मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ, एक को ब्लैक के। इन्हीं के पैरेलल हम लोगों ने राइट वाले सर्कल में ड्रॉ करने होंगे दो लाइंस और वो कुछ इस किस्म की आएंगी। ऊपर वाले लाइन के अगेंस्ट नीचे की तरफ आएगा क्योंकि उल्टा पुल्टा है, ट्रांसवर्स है, और नीचे वाली काली लाइन के अगेंस्ट दूसरे वाले सर्कल में ऊपर की तरफ जाना है पैरेलल लाइन। इसके लिए भी हम तीन मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वक्त के इख्तसार की वजह से डी वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो कि सबसे आसान है। यूँ हम लोग डी रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे और एंगल मेजर कर लेंगे पॉइंट ए का। उतना ही एंगल हम लोग राइट वाले सर्कल के ऊपर जाके पॉइंट लगा लेंगे और उसको लाइन से मिला लेंगे, लेकिन नीचे की तरफ। तो ये ग्रीन वाला लाइन ग्रीन के अगेंस्ट पैरेलल है और हम लोगों ने अब नीचे की तरफ प्रोटेक्टर रखा, पॉइंट उसी एंगल पर लगाया और ऊपर की तरफ अब हम लोगों ने पैरल लाइन ड्रॉ करनी है ब्लैक वाले के अगेंस्ट। ये हम लोगों के पास दूसरी पैरल लाइन आ गई है। अब हमने इन चार पॉइंट्स को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पॉइंट्स को मीट करा लेना है और ये हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन गए हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास टू केसेस होंगे, दोनों केसेस में दो अनइक्वल सर्कल्स होंगे और उनका हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट पे जहां वो दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं। केस वन के अंदर कंडीशन ये है कि एक ये सर्कल है और दूसरा ये सर्कल है, एक का सेंटर है ओ, दूसरे का ओ प्राइम, और ये अंदर की तरफ से एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओ और ओ प्राइम के सेंटर्स को आप मिला लेंगे और ए पॉइंट तक एक्सटेंड कर लेंगे। अब पॉइंट ए के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और परपेंडिकुलर ऐसा होता है 90 डिग्री पे। तो पॉइंट ए के ऊपर आप कंपास रखेंगे और इस तरह एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पॉइंट के ऊपर कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट के ऊपर कंपास रख के आर्क ड्रॉ करेंगे, बारी बारी इन दोनों पॉइंट से ऊपर की तरफ एक एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस तरह ये एक पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट को आप ए से मिला लेंगे और ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया जो कि टेंजेंट है। ये केस वन सॉल्व हो गया। अब केस टू की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपके पास दो अनईक्वल टचिंग सर्कल्स हैं लेकिन बाहर की तरफ से टच कर रहे हैं। प्रोसीजर वही है, ओ और ओ प्राइम के सेंटर्स को मिला लेंगे और ये सेंटर पॉइंट इनका पॉइंट बी आ रहा है जहाँ पे दो सर्कल्स टच कर रहे हैं। ये इस लाइन का सेंटर नहीं है लेकिन ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब इस पॉइंट के ऊपर आप कंपास रख के एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, फिर बारी बारी यहाँ से दो आर्क्स ड्रॉ करनी है, एक यहाँ पे, फिर यहाँ से एक पॉइंट रख के यहाँ पे। अब बारी बारी इन दोनों पॉइंट से ऊपर की तरफ एक एक आर्क ड्रॉ करनी है, ये पहली, ये दूसरी। अब ये जो पॉइंट आ गया है जहाँ पे दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, इसको नीचे हम पॉइंट बी के साथ मिला के एक्सटेंड कर लेंगे। ये हमारे पास केस टू सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास टू अनइक्वल मगर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। ये सर्कल ए देख सकते हैं और सर्कल बी, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेंगे ए से बी तक। आप देख लें कि ये सर्कल ए का रेडियस है आर और सर्कल बी का रेडियस है आर वन। आर वन छोटा है आर से।
अब हमने एक थर्ड सर्कल ड्रॉ करना है आर माइनस आर वन रेडियस जितना, ये हम लोग मैयर कर लेंगे और एक अनवांटेड सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अनवांटेड सर्कल जब भी हम ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड से ड्रॉ करेंगे, और ये इसलिए ताकि आखिर में हमें ये ऐसा ना हो, गलती हो जाए और याद ना रहे कि किस सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट टैक हमारा है कि हम लोगों ने ए बी सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है। बी पॉइंट के ऊपर कंपस रखो, एक ऊपर और एक नीचे आर्क ड्रॉ की, फिर पॉइंट ए के ऊपर कंपस रख के एक आर्क ऊपर और एक नीचे ड्रॉ कर ली। जहाँ ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट एम आ गया ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अब हम लोगों ने कंपस इतना ओपन करना है कि रेडियस ऑफ एन अदर सर्कल बने हमारा एम बी या एम ए जितना, और इस तरह से हम लोगों ने एक और अनवांटेड सर्कल ड्रॉ कर लेना है डॉटेड से, जो कि हमारे पिछले अनवांटेड सर्कल को मीट कर रहा है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे। हम लोगों ने वहाँ पॉइंट ए से पी को मिलाते हुए अपने मेन सर्कल के एंड पॉइंट तक ले जाना है पॉइंट डी, ये हमारे पास एक टेंजेंट पॉइंट आ गया। इसी तरह हम लोगों ने पॉइंट ए को क्यू से मिलाते हुए इस सर्कल के लोअर पोर्शन पे पॉइंट सी तक ले जाना है, ये हमारे पास एक दूसरा टेंजेंट पॉइंट आ गया। इसी तरह हम लोगों ने राइट वाले सर्कल के ऊपर भी अभी दो टेंजेंट ढूंढने हैं। उसका क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसीजर वही है जो आप 13.35A में देख चुके हैं। मैंने तीन डिफरेंट तरीकों से सिखाया था, जिसमें प्रोटेक्टर वाला तरीका था, कंपास वाला तरीका था और सेट स्क्वायर वाला। यहाँ मैं आपको सेट स्क्वायर वाला हल्का सा दिखा देता हूँ कि यूं करके सेट स्क्वायर रखेंगे और सेट स्क्वायर को रूलर के ऊपर स्लाइड करके ले जाएंगे। जब ये इधर आ जाएगा तो बी से हम लोग ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि आपको एन पॉइंट और टी पॉइंट दे देगा। टी पॉइंट हमारा थर्ड टेंजेंट पॉइंट आ गया। इसी तरह हम लोगों ने नीचे की तरफ भी वही प्रोसेस करना होगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है टी डी, नीचे की तरफ भी वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और टी प्राइम आपके पास एक और टेंजेंट आ गया और ये टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ कर दी टी प्राइम सी तक, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में हमें गिवन होगा एक एंगल और हमने एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जो कि इसकी दोनों आर्म्स को टच करे। तो ये है हमारे पास गिवन एंगल बी ए सी, और ये इसके अंदर एंगल है जिसको हम लोगों ने बाइसेक्ट करना है। तो पहले यहाँ पे कंपास को रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस साइड पे कंपास को रख के एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको साइड ए से मिला लेंगे और रे बना लेंगे, और ये रे बन जाएगी ए डी जो कि हमारा बाइसेक्टर है इस एंगल का। अब हमने क्या करना है कि एक पॉइंट ले लेना है इस रे के ऊपर, उसको हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट ई। अब यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए सी के ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बेसिकली। तो उसका प्रोसीजर ये है, पॉइंट ई से एक कंपास ओपन करेंगे और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, फिर बारी बारी दोनों साइडों से एक एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये एक आर्क ड्रॉ हो गई, फिर दूसरी साइड से एक और आर्क ड्रॉ हो गई। इन दोनों आर्क को जहाँ पे ये मीट कर रही है उनको पॉइंट ई से मिला लेंगे, और ये रे ए सी को कट कर रही है पॉइंट एफ के ऊपर। अब हम लोगों ने क्या करना है, वो सर्कल ड्रॉ करना है, उसका रेडियस हमें मिल चुका है ई एफ, तो कंपास को हम ई एफ जितना ओपन कर लेंगे और अब हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये सर्कल आप देख सकते हैं कि इसने दोनों आर्म्स को टच किया है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जो कि दो कन्वर्जेंट लाइंस को टच कर रहा हो, और एक पॉइंट हमें गिवन होगा उसके ऊपर से गुजर रही हो इसकी सर्कमफ्रेंस। तो गिवन हमें क्या है, बी एस और सी टी दो अदद कन्वर्जिंग लाइंस हैं, और इनके बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट पी हमें गिवन हो सकता है। अब हमने क्या करना है, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो दोनों साइड्स को भी टच कर रहा हो और इस पॉइंट पी पर से गुजर रहा हो। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग दोनों कन्वर्जिंग लाइंस को कन्वर्ज कर लेते हैं पॉइंट ए के ऊपर, और इस एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट कर लेते हैं। ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट करने का तरीका ये है कि पहले इस पॉइंट पे कंपास रखा और आर्क ड्रॉ की, फिर इस पॉइंट पे कंपास रखा और आर्क ड्रॉ की, फिर लाइन को पॉइंट ए से मिला लिया, ये हमारी रे बन गई ए डी। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर एक अदद पॉइंट ले लेना है पॉइंट ई, कहीं पे भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है रे ए बी की तरफ। उसके लिए तरीका यह है कि कंपास को यूं खोलेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब बारी बारी इसकी दोनों साइड से एक एक आर्क ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, जहाँ ये दोनों आर्क्स मिल रही हैं उनको पॉइंट ई से मिला लेंगे। ये हमारी रे ए बी को पॉइंट एफ के ऊपर काटता हुआ जाता है। तो हम लोग ई एफ को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये सर्कल आप देखें तो दोनों साइड्स को तो टच कर रहा है लेकिन पॉइंट पी से नहीं गुजर रहा। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे रे ए पी,
जो कि पॉइंट पी में से गुजर रही होगी। नेक्स्ट हमने ये पॉइंट एच देख लिया, इस सर्कल से जहाँ पे ए पी गुजर रही है, इसको हम लोग पॉइंट ई से मिला लेंगे और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। अब हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट पी में से गुजर रही हो। उसका प्रोसीजर ये है कि हम लोग यूँ सेट स्क्वायर रखेंगे और रूलर सेट स्क्वायर को स्लाइड करेंगे रूलर के ऊपर कि वो पॉइंट पी की लाइन में आ जाए, और यहाँ से ऊपर तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हमारी रे ए डी को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट ओ के ऊपर। अब ये वो हमारा सेंटर पॉइंट है जहाँ से हम लोगों ने वो सर्कल ड्रॉ करना है और रेडियस होगा ओ पी। तो यूँ हम कंपस ओपन कर लेंगे और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब आप देखें तो ये हमारा डिजायर्ड आंसर है, लेकिन सब्र करें, रुकें, यहाँ चैप्टर मुकम्मल नहीं हुआ, आगे एक और भी क्वेश्चन है 13.37C। लेकिन क्वेश्चन कहता है ड्रॉ सर्कल टचिंग थ्री कन्वर्जेंट लाइंस, यानी एक और भी कन्वर्जेंट लाइंस है, तो क्या ऐसा मुमकिन है? नॉट पॉसिबल, ये नामुमकिन है, और ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप हमें कमेंट्स में इन्फॉर्म करें, हम उस चैप्टर को एनिमेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे अपलोड करेंगे।